मेरा नाम प्रशांत कुमार वरुण और मैं मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर के शहर आगरा से आता हूँ। और मेरी पहली नज़्म है, दिन के तीन पहर होते हैं, एक दिन, एक शाम और एक रात। तो उनके बारे में ही है, जब हम किसी के दीवाने बने फिरते हैं तो वो कैसे नहीं कटती और कैसे कटती है। जो ढला नहीं वो दिन, वो गुजरी नहीं वो शाम। जो ढला नहीं वो दिन, वो गुजरी नहीं वो शाम, याद आ जाता है उसका वो अधूरा सा नाम। शिकवे गिले तो बहुत है फिर भी वो रात तो ढले। शिकवे गिले तो बहुत है फिर भी वो रात तो ढले। चांद के साए में ही सही वो मुझे ख्वाबों में तो मिले। इजाजत है आंखें बंद करने की, मेरी बेकरारी खो गई है, वो मुझे कहीं तो मिले। और मेरी दूसरी पोएट्री है, वो मैं सारे कॉरपोरेट मजदूरों के लिए शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे उनकी जिंदगी किस तरीके से जॉब में व्यतीत होती है। जिंदगी कल कल करके जा रही है, जिंदगी कल कल करके जा रही है, ये कहानी किसी को समझ नहीं आ रही है। हर दिन ऑफिस में बीतता है ऐसे जैसे खुशी महंगी है और हमसे कमाई नहीं जा रही है। हाय हाय, वाह वाह वाह। सोचता हूँ जब वक्त मिलता है तो, सोचता हूँ जब वक्त मिलता है तो, ये कैसी नौकरी है जो हमारी जवानी खा रही है। तुम हम भीड़ में भागे जा रहे हैं, कौन रहता है मेरे दिल में जिसकी जिंदगी से बेकरारी जा रही है। आए हाय। और मैं तीसरी पोइट्री अपनी, मुद्दतें हुई बिछड़े तुमसे, मुद्दतें हुई बिछड़े तुमसे फिर आज क्यों ऐसा लगा। मुद्दतें हुई बिछड़े तुमसे फिर आज क्यों ऐसा लगा, जैसे झांक रही हो तुम यूं बंद दरवाजे से और हवा का झोंका मेरे गले से आ लगा। आए हाय, वाह वाह। और ये मेरी चौथी कविता, सब कुछ समझ आ जाए इतने समझदार नहीं, सब कुछ समझ आ जाए इतने समझदार नहीं, कुछ भी समझ ना आए इतने ना समझ भी नहीं। बातों से संवाद होता तो कर लेते, बातों से संवाद होता तो कर लेते, इशारे हो रहे हैं इसलिए ठगे जा रहे हैं, रास्ते तो ठीक थे मंजिल हम किधर जा रहे हैं। ए राही तू ही बता दे, भटक गए हैं या भटकाए जा रहे हैं, इतने गुमराह हुए इस दुनिया में फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरी एक लास्ट कविता नज़्म है जो मैं अभी सुनाना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ ये सब उसके लिए कि जो लड़कियाँ शादी कर लेती हैं और गुमराह रहती हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी कविता थोड़ी सी पेचीदा है, उन लड़कों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन शादीशुदा महिलाओं के लिए भी है जो मैं अभी स्टार्ट करूँगा। कि मेरे बुलाने से तुम ना आना, तुम्हारे बुलाने से मैं ना आऊंगी, मेरे बुलाने से तुम ना आना, तुम्हारे बुलाने से मैं ना आऊंगी, भला कितना भी टोके ये जमाना, मैं दुनिया को रास ना आऊंगी। शायद ये बात सच है, वक्त के साथ मैं क्या सब भूल जाऊंगी, वो पहली मुलाकात, वो हसीन रात, वो गुलाब, वो मोमबत्ती और वो सवाब, हर एक लम्हा भूल जाऊंगी, हर एक लम्हा भूल जाऊंगी। शायद ये बात सच है, शायद ये बात सच है, वक्त के साथ मैं क्या सब भूल जाऊंगी, वो पहली मुलाकात, वो हसीन रात, वो गुलाब, वो मोमबत्ती और वो सब हर लम्हा भूल जाऊंगी। ऐसा कहने में अच्छा लगता है, आईना देखूंगी तो मुस्कुराऊंगी, देखते देखते जोर से रोऊंगी और सब भूल जाऊंगी। क्या सच में सब भूल जाऊंगी, कोई देखे ना मेरे आंसू, मैं उन्हें जल्दी से पूंछ के बाहर आऊंगी, देखो मैं धीरे धीरे सब भूल जाऊंगी। पापा ने सिखाई थी ना वो बात, पापा ने सिखाई थी ना वो बात, बेटा लड़का अपनी जाति का धर्म का होना चाहिए, मैं सर झुका कर हर बात उनकी मान जाऊंगी। उम्रें हो गई हैं अब, कैसे दिन बीत गया है आज का भी, वो आते ही होंगे, बच्चों को भी स्कूल से लाना है, खाना भी बनाना है, सबसे मिलना है और वही मुस्कुराना है। देखो देखते देखते वक्त कितना बीत गया, छुपा कर रखा था मैंने लम्हा, वो मुझसे कैसे जीत गया। कब 37 से, कब 17 से 37 का पहाड़ सा जीवन बीत गया, अभी तो पकड़ा था उसने मेरा हाथ, ये मुझसे कैसे छूट गया। क्या यही गलती अब साथ जाएगी, मरते हुए उसका नाम मेरी रूह गुनगुनाएगी, छोड़ो तुम नहीं समझोगे वो मुझसे कह के गया था, छोड़ो तुम नहीं समझोगी वो मुझसे कह के गया था, क्या ये बात जिंदगी भर मेरे पीछे पीछे आएगी। शायद उसकी वो बात मैंने मान ली होती, अपना अपने मन में उसकी होना ठान ली होती, तो यूं व्यर्थ ना लगता जीवन, करके मौत का इंतजार, संघर्ष ना लगता जीवन। वही गुमसुम सी मुलाकात याद आती है, छुआ था तुमने और सोचते सोचते मेरी जान निकल जाती है, अब तो मेरी रूह जोर जोर से तुम्हें आवाज लगाती है, काश तुम सुन सकते,
ये ना मिलने की मायूसी मुझे खा जाती है, चलिए छोड़िए जिंदगी कहाँ रुकती है, आ ही जाती है प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी छूटने के बाद, बहुत रुलाती है मौत कभी ना कभी सबको गले लगाती है, ये जिंदगी उसकी ना हो सकी पर याद आ ही जाती है। थैंक यू वेरी मच।